हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग जाना है करेली आलू की भुजिया बनाने और रोटी बनाने। तो चलिए जल्द से जल्द इसको बताते हैं और काटते हैं। सबसे पहले हम लोग करेली काट लेते हैं तो जल्दी से जल्दी। चलिए दोस्तों, करेली काट मिलता हूँ। फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं हम करेली काटी है। अब आलू की बारी है। आलू को फ्लैट तोड़ देते हैं, इसको छीलना पड़ेगा दोस्तों। छीन से छीनते हैं। देखिए दोस्तों, आलू काट रहे हैं। देखिए दोस्तों, कितना महीने आलू काटे, वैसे ही आलू काटने मिलते हैं दोस्तों आपसे। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं करेली आलू और यहाँ पर हरा मिर्च काटी है। तो चलिए वीडियो बनाते हैं तुरंत जल्दी से, उसको सुबह भी साफ कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, कैमरा सेट करते हैं वहाँ पर अपना पर। ये सारे सामान को हमें यूज़ करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं, हम लोग हल्दी नमक मसाला सब डाल देते हैं। हल्दी नमक वाला काम किया है, इसी मसाले डाल देते हैं। चलिए दोस्तों, बना के मिलता हूँ। हाँ तो दोस्तों, भुजिया बन चुके हैं।
दोस्तों मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों भुजिया बन चुका है, रोटी बना रही है। हाँ तो दोस्तों अब हम बनाने जा रहे हैं रोटी आराम से, रोटी कितना गया है। पूरी दोस्तों थोड़ा सा उसको यूज करेंगे, देख सकते हैं दोस्तों दूसरा डब्बा खुल चुका है, एक और बना रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये बन चुका है हम लोग का रोटी करवा रहे हैं, क्या रोटी और आलू का दिल कर दिया मैंने, अभी टेस्ट करके बताते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। खाने ये क्या बोलते हैं, दाल चावल पटल की सब्जी। आज रामनवमी में आज बहुत कुछ खाना है दोस्तों, साल में एक बार आते हैं फिर आज मंदिर भी जाकर घूमने के लिए, उसका भी थोड़ा आपको मिलेगा देखने के लिए दोस्तों। भाई टेस्ट कर
ये पिताजी के हाथ से बना हुआ है पटल का सब लोग बहुत टेस्टी लगता है। चलिए मिलते हैं।